हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम वेलकम टू इंफोटेकैप। इंफोटेकैप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कुछ खास वीडियो, और वो है म्यूजिक के ऊपर में। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हैं, यानी आप जो है सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, तो आपके लिए ये खास वीडियो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि यूट्यूब ने जो है एक नया फीचर लॉन्च किया है, उसके साथ साथ में एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जो है म्यूजिक यूट्यूब। यानी म्यूजिक यूट्यूब पे आपको क्या मिलने वाला है, किस तरीके से काम करना है, और कौन कौन सा एंटरटेनमेंट वहां पे मिलने वाला है, वो सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, लाइक जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे। ओके, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। यूट्यूब का जो नया फीचर आया है, नई ऐप आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि यूट्यूब म्यूजिक जो आ चुका है इस तरीके से। इसका जो URL है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप क्लिक कर उसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में आपको इस तरीके से दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अभी मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप पर बता रहा हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसे मोबाइल में किस तरीके से लोड करना है, किस तरीके से उसकी सेटिंग करनी है, प्रीमियम वर्जन क्या है, प्रीमियम वर्जन के क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए बने रहिए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने हिंदी, अगर चाहते हैं हम हिंदी मराठी जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे आ चुके हैं सिंगर्स, यानी हिंदी के सारे सिंगर्स यहाँ पे आपको आ चुके हैं। आपने उनमें से जो सिंगर आपको पसंद है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके पसंद के सीरियल है, जो सिंगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उनको आपने ले लेना है यहाँ से। और लेने के बाद में जो है आप इसे डन कर दे। डन करने से होगा ये कि ये जो सिंगर आपने सेलेक्ट किया था, ये सारे सिंगर्स की लिस्ट आपके पास में आ चुकी होंगी। अब यहाँ से इनका कोई भी सॉन्ग को आप आसानी से चला पाओगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया, अब जो है यहाँ पे हमने सिंगर को सेलेक्ट कर लेना है। सिंगर सेलेक्ट करने के बाद में कोई भी एक सॉन्ग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि वो सॉन्ग आपका बज रहा होगा। साउंड इसलिए अब मैं सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने जो है वो कॉपीराइट पे आता है कि कोई भी सॉन्ग्स वगैरह अगर कोई सुनता है तो वो आपको कॉपीराइट एक्ट में आ सकता है, इसलिए मैंने साउंड को ब्रेक करके रखा, यानी स्मॉट करके रखा, स्टॉप करके रखा हूँ। अब जो है ये साउंड जिस तरीके से चल रहा है, इसी टाइप से आप मोबाइल में भी चला पाओगे, कंप्यूटर में भी, डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर भी आप आसानी से चला पाओगे। अब हम देखते हैं सेकंड सॉन्ग भी हम यहाँ से ले सकते हैं। कोई भी सेकंड सॉन्ग हमने लेना है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है सेकंड सॉन्ग के ऊपर में, और वो सेकंड सॉन्ग आपका स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर इसे नीचे लेना तो यहाँ बटन पे क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पे सेकंड सॉन्ग के लिए आपका जो है विंडो छोटा हो चुका है। अब यहाँ से हमने सेकंड सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना है, और सेकंड सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो चुका होगा। अब जो है आप नेक्स्ट साउंड को बजा पाएंगे। तो पहला जो साउंड चल रहा था वो आपका स्टॉप हो चुका होगा, और सेकंड जो है वीडियो या ऑडियो साउंड आपका स्टार्ट हो चुका होगा। और ये जो जितने भी हम सॉन्ग सुनेंगे वो सारे के सारे जो है आपके प्लेलिस्ट के अंदर में आ चुके होंगे। आप जो है फिर कभी आप वो प्लेलिस्ट को ओपन कर उस सॉन्ग को आसानी से सुन पाएंगे। इसी तरीके से आप सिंगर बदल पाएंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पे हम साउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका कंप्यूटर के ऊपर में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और मोबाइल पर देख लेते हैं कि किस तरीके से है मोबाइल में इसका यूज़ और कैसे करना है इसे इंस्टॉल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल पे किस तरीके से इंस्टॉल करना है आपको जाना है प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आपको करना होगा यूट्यूब म्यूजिक पे ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ पे उसके कुछ खास फीचर पढ़ लेने हैं कि रिकमेंडेड म्यूजिक यहाँ पे दिखेगा, आप अपना एल्बम बना सकेंगे, यानी अपना एल्बम क्रिएट करना, यानी प्ले लिस्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कोई सॉन्ग हमने सुन के रखा है तो उस सॉन्ग को हम प्ले लिस्ट में रख सकते हैं, और बाद में जो है फिर से उसे सुन सकते हैं इस तरीके से। और जो है स्ट्रीमिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, इसके अंदर में ऑफिशियल जो है लोकेशन है, ऑफिशियल जो है लाइव जो है वीडियोज़ इसके अंदर में है। दूसरी से खास चीज़ है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंस्टॉलेशन होने के बाद देखेंगे। जैसा कि हमने प्लेलिस्ट में जाकर, ये जो है एंड्रॉयड मोबाइल में जाकर इस तरीके से इंस्टॉल किया, यहाँ पे इसका नाम ही है यूट्यूब म्यूजिक स्ट्रीमिंग म्यूजिक एंड प्ले वीडियो, यानी ऐसा वीडियो जो ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंदर में हम बैकग्राउंड में म्यूजिक चला सकेंगे। यानी मोबाइल अगर हम ऑफ करते हैं तो स्क्रीन नहीं दिखेगा, लेकिन जो है ऑडियो सॉन्ग चलता रहेगा इस तरीके से। लेकिन वो सिर्फ प्रीमियम वर्जन में ही होगा और उसके अलावा नहीं होगा। यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है प्रीमियम और एक है आपका बेसिक वर्जन। बेसिक वर्जन पे हम जाते हैं और बेसिक वर्जन से स्टार्ट कर लेते हैं किस तरीके से आपको दिखाई देता है। बेसिक वर्जन हमने सेलेक्ट करने के बाद में उसको आपको जो है लॉग इन करना होता है, जो भी आपका ईमेल आईडी है उससे हम लॉग इन कर लेंगे, या फिर जो है आप बेसिक वर्जन पे ट्रायल के लिए ले सकते हैं। उसके बाद में लैंग्वेजेस यहाँ पे दिखाता है, उस लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। हिंदी सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे हिंदी के पूरे सिंगर आ चुके हैं।
अब इन सिंगर्स में से हमको मोबाइल पे भी वही प्रोसीजर करनी है जो हमने कंप्यूटर पे की थी, कि हमने वहाँ पे जो है सिंगर्स को सेलेक्ट किया, अलग अलग सिंगर्स वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है वन बाय वन, और जो उसके बाद में जो है फिनिश बटन पे क्लिक करना है, तो ताकि वो जो चार पांच सिंगर हमारे हैं वो आपके फेवरेट सिंगर है उनकी लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट्स आपको आते रहेगी, और उनको आपको अलाउ करना है। ओके, यहाँ हम ज्वाइन हो चुके हैं म्यूज़िक यूट्यूब म्यूज़िक के अंदर में। अब जो है हम देखेंगे कि इसके अंदर में फीचर्स क्या है। वीडियो अगर हम सुन रहे हैं तो वीडियो सुनते सुनते अगर हमको जो कोई काम है और आपको सिर्फ साउंड सुनना है तो हम प्रीमियम वर्जन के अंदर में उसे लॉक कर सकते हैं, सिर्फ आपको ऑडियो सुनाई देने लगेगा, और फिर जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रीमियम वर्जन के अंदर में कौन कौन सी फैसिलिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक हम चला सकेंगे, उसके बाद में डाउनलोड कर सकेंगे ऐप को, एड्स को जो है बंद कर सकेंगे, जो उसके बाद में प्लेलिस्ट बैकग्राउंड में हम चला सकेंगे जो भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, उसके साथ साथ में जो है एड्स को जो है हम ऑफ कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे हमने प्रीमियम वर्जन का एक वीडियो लिया, इस वीडियो पे हमने एक एग्जांपल बताया है कि वीडियो चल रहा है हमारा, चलने के बाद में उसके ऊपर में एक टैप बटन आपको दिखाई देता है ऊपर में, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसे जब हमने ऑन किया तो जो है ये सिर्फ ऑडियो चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू।